अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप मेरे सामने ये देख सकते हैं, ये जेल रोड के ऊपर जैज का हेड ऑफिस है और इस हेड ऑफिस के बाहर आप ये पीछे लाइन भी लगी हुई देख सकते हैं। ये सारे लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं और ये आपने बीच में मैं कस्टमर हूँ आपका, कस्टमर है तो हाँ, तो मैं कस्टमर हूँ ना, क्यों तो रोड पर वीडियो बनाए, हाँ मैं रोड के ऊपर ही वीडियो बना रहा हूँ, आप साइड पे हटे, आपकी मेहरबानी, आपने ऐसी कोई बात नहीं करनी, मैं वकील हूँ और उसके बाद मैं आपका कस्टमर हूँ, मुझे आपसे ज्यादा गुंडागर्दी करनी आती है। और ये पिछले 3 माह के दौरान जो है जैज के कस्टमर जो है इसी तरह पूरे लाहौर के अंदर जलील हो रहे हैं और जलील इस वजह से हो रहे हैं कि उन्होंने अपने बिल जमा करवा दिए हैं, इसके बावजूद उनके नंबर जो उनकी आउटगोइंग जो है वो बंद है, मेरी अपनी मोबाइल नंबर की आउटगोइंग जो है वो बंद है। पहले मैं मजंग के ऊपर जो इनकी जो फ्रेंचाइज है वहां पर गया हूँ, वहां पर भी 15-20 मिनट वेट करना पड़ा, उसके बाद हेड ऑफिस आए क्योंकि उन्होंने बताया कि जी हमारे मालक अभी सोए हुए हैं, हमने अपना नंबर उनको भेज दिया आपका, वो जब सीन करेंगे तो तब करेंगे। इसी तरह बहुत सारे कारोबारी लोग जो हैं वो भी यहाँ पर हैं, उनके भी प्रॉब्लम है। यहाँ पर एक हमारे लाहौर के बड़े सीनियर ट्रेडर हैं, वो भी यहाँ पर आके बैठे हैं, लाइनें लगी हुई हैं और उनका मसला जो है वो रिजॉल्व नहीं किया जा रहा। ये जैज की कंपनी है, आप ये देखें कि बाकी कोविड की वजह झूठ बोल रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। इससे पहले इन्होंने मुझे आके कहा कि जी अंदर रश लगा हुआ है इस वजह से नहीं जाना है, अब वहाँ पे ट्रेडर बैठे हुए हैं उनको भी इन्होंने ये बात की, मेरे सामने ये बात की। अच्छा, बाकी जैज की कंपनी सारे काम कर रही है, फॉर एग्जाम्पल ये देखें टैक्स सर्टिफिकेट हासिल करना, ये सारे काम कर रहे हैं, लेकिन जो इनकी जिम्मेदारी है वो ये अदा नहीं कर रहे। इससे पहले मैं एक फ्रेंचाइज के ऊपर गया, वहाँ पे बारे में पोस्टर लगा हुआ है कि जैज का कैश का अकाउंट बनाए और उसके साथ साथ 1 किलो चीनी हासिल करें, ये काम जैज की जो घटिया कंपनी है, भारत की घटिया कंपनी जो है वो ये कर रही है और कस्टमर्स का कोई पुरसाने हाल नहीं है। वो लाइन आप देख रहे हैं यहाँ पे सारी लंबी लाइन लगी हुई है, यहाँ पर वो खवातीन बैठी हुई हैं वो आप देख सकते हैं, और ऊपर से ये जैज के जो सिक्योरिटी अफसरान हैं, ये जिम्मेदारान हैं, वो गुंडागर्दी करते हैं, आगे झूठ बोलते हैं, बदतमीजी करने की कोशिश करते हैं। तो मेरी पाकिस्तानी कौम से अपील है कि आप जितनी जल्दी मुमकिन हो सके जैज के और भारत के कस्टमर्स बनना छोड़ें, ये लोग आपको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं।